स्वामी विवेकानंद को तालियां इसलिए मिली कि बाकी सब लेडीज एंड जेंटलमैन कह रहे थे। जब मैंने रिसर्च किया, मेरी लुई बर्क नाम की महिला ने 6 ग्रंथ लिखे स्वामी विवेकानंद की विदेश यात्राओं के, स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज इस नाम से। वो मेरी लुई बर्क ने शिकागो की उस धर्म सभा में उपस्थित जो श्रोतागण थे उसके प्रत्येक के साथ संपर्क किया, जो जीवित थे, जो जीवित नहीं थे, उनके वंशजों के साथ उनकी डायरिया खंगाली, उसके पूरे मिनट्स पड़े। और उसके बाद में वो कहती है स्वामी विवेकानंद पहले व्यक्ति नहीं थे, चौथे व्यक्ति थे। उनसे पहले 3 लोगों ने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नाम का संबोधन किया था। श्रीलंका से एक बौद्ध साधु गए थे, धम्मपाल अंगीकारा, उन्होंने किया था। एक बौद्ध भिक्खु जापान से आए थे, उन्होंने भी यही बंधु और भगिनी वाला संबोधन किया था। और तीसरे प्रताप चंद्र मुजुमदार थे, जो भारत से ही गए थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी किया था। स्वामी विवेकानंद चौथे थे। उस सभागृह ने पहले 3 बार वो संबोधन सुना था, उसके बावजूद नावीन्य के कारण तालियां नहीं बजी थी 2.5 मिनट तक। उसके बावजूद 2.5 मिनट तक तालियां बजी, क्योंकि वहां खड़े हुए व्यक्ति के अंदर वह भ्रातृत्व का, वह बंधुत्व का, वह अपनत्व का, वह आत्मीयता का, मेरा कोई है, इस प्रकार का बोध उस वाणी के माध्यम से श्रोताओं के साथ जुड़ा था। सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े, बहुत जबरदस्त वक्ता थे, मुर्दे को जगा दिया उन्होंने। अपनी पूरी आजादी से सेना युद्धबंदियों में से तैयार की थी, हारे हुए युद्धबंदियों के कैदियों के बीच में ऐसे प्राण फूंकते कि आजाद हिंद सेना की स्थापना हो जाए। वो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं आज स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो उनके पैरों में मैं बैठा होता। उस सुभाष चंद्र बोस को किसी ने पूछा कि स्वामी विवेकानंद के शब्दों का असर क्यों हुआ, तो उन्होंने अपनी वो कवित्वमय वक्तृता में कहा था, जो बात होठों से बोली जाती है होठों तक पहुंचती है, जो बात गले से बोली जाती है मेरे जैसे चिल्ला चिल्ला के वो गले तक पहुंचती है, कभी कभी गले उतर भी जाती है, लेकिन हृदय तक वही बात पहुंचती है जो हृदय से कही जाती है। और स्वामी विवेकानंद के शब्द हृदय से कहे। सारा 1.5 महीने का अपमान, विष का प्राशन करने के बाद ये शिव वहां खड़ा होकर के कल्याण के मंत्र बोलता है और अमेरिका निवासियों को बहनों और भाइयों कहकर के बोलता है, जिन अमेरिका वासियों ने उसको खाने के लिए नहीं दिया था, दर दर की ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया था, यू ब्लैक गेट आउट कहकर के जिसका हर दरवाजे पर स्वागत हुआ था। 1.5 महीने तक अपमान सहने के बाद उस अपमान के विष को पी करके भारत का, हिंदुत्व का सच्चा प्रतिनिधि, जिसने गर्व से कहो हिंदू है, उस दिन 11 सितंबर को पहली बार बोला था कि मैं गर्व से कहता हूं कि उस हिंदुत्व का मैं प्रतिनिधि हूं। बस स्वामी विवेकानंद सच्चे अर्थ में प्रतिनिधित्व करता है और उस पूरे सभागार को ही नहीं, पूरी अमेरिका को अपने भ्रातृत्व बोध से बोधित करता है। ये भारतीय संस्कृति की वैश्विक अवदान है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव है। हमारे यहां किसी भी सामूहिक गतिविधि का सर्वोच्च आदर्श परिवार है। यदि आप अपने संस्था में परिवार का भाव स्थापित नहीं कर सके तो उस संस्था का नेतृत्व करने का आपको अधिकार नहीं है। ये भारत का बोध है। मैं कहता हूं ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये विकृति फैलाने वाले हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस देश का समाज जीवंत समाज, और जो शरीर जीवंत होता है उसके नाक में धूल का कण जाता है तो छींक मार करके भगा देता है। भारत ने भी छींक मार दी तो भाग गए बेचारे, कहां जाएंगे। और आज जिस बात के ऊपर हंसते थे उन सारी बातों को स्वीकार करने के लिए विश्व मजबूर है, विवश है। एंगस मेडिसन नाम के एक अर्थशास्त्री को काम दिया गया सन 2000 में, जिस कालगणना की आप दोनों ने बात की, उस कालगणना में 1000 की गिनती बड़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बाइबल में लिख दिया कि 1000 वर्ष जब पूरे हो जाएंगे तो मिलेनियम पूरा होगा, और मिलेनियम का बाइबलिकल अर्थ है कि उस दिन वापस आएगा क्राइस्ट, और उसके बाद में सबका जजमेंट होगा और सबको कौन किसने पास में बैठेगा वो तय होगा, और जिसने नहीं माना होगा उन सबको जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। 1000 साल बाद हुआ नहीं तो सबको लगा 2000 साल बाद। इसलिए 2000 बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष था, बहुत सारे सम्मेलन हुए सारी दुनिया में, और उन सम्मेलनों के बीच में दुनिया के सर्वाधिक विकसित देशों का जो संगठन है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसके लिए विश्व के सर्वाधिक GDP वाले पहले 7 थे, अब 15 हो गए, 16 हो गए देशों का वह संगठन था, उस OECD ने सन 2000 में एंगस मेडिसन नाम के अर्थशास्त्री को यह काम दिया कि वो विश्व का आर्थिक इतिहास लिखे।
और चूंकि उनकी गणना उनकी हिस्ट्री शून्य ईस्वी से शुरू होती है तो एंगस मेडिसन को भी काम दिया, शून्य ईस्वी से 2000 ईस्वी तक 2000 वर्ष का आर्थिक इतिहास लिख दीजिए। उस पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मिलेनियल पर्सपेक्टिव बाय एंगस मेडिसन। OECD.org इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 2000 वर्ष का आर्थिक इतिहास लिखा है एंगस मेडिसन ने, और वह एंगस मेडिसन कहता है कि पहले 1500 वर्ष शून्य ईस्वी से लेकर के 1490 तक 99 तक सारे विश्व के जीडीपी में लगभग 66% योगदान देने वाला देश कोई था तो वो भारत देश है। मैं सोच रहा था इतिहास का, मैं विद्यार्थी हूं आपके जैसा इतना अध्ययन तो नहीं किया, लेकिन मैं सोच रहा था ये 1500 से क्या संबंध है, तो पता चला वास्को दी गामा 1498 में आया था। और मतलब उसने भारत को खोजा, ऐसा हम लोग भी लिखते हैं, तो उससे पहले कोई गुम हो गया होगा। जो गुम हुआ हुआ भारत था वो विश्व को, विश्व के 2/3 जीडीपी को प्रोड्यूस करने वाला, और केवल प्रोड्यूस करने वाला नहीं, विश्व को समृद्धि का अवदान देने वाला, वितरण करने वाला विल ड्यूरांड अमेरिकन इतिहासकार है। 11 खंडों में उसने लिखी है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। वह विल ड्यूरांड लिखता है सारे विश्व को संपदा का वितरण करने वाला कोई देश होगा तो वह देश भारत देश है। वितरण शब्द प्रयोग किया है, लेन देन नहीं, वितरण करने वाला देश। सारे दुनिया में हमारे व्यापारी जाते थे, वो वास्को दी गामा को भी, हमारे ये गुजरात का व्यापारी वास्को दी गामा ने अपनी डायरी में लिखा है, वो गुजरात का व्यापारी पानी के जहाज लेकर के उसको मिला साउथ अफ्रीका में, उसको तो भारत मिला नहीं था, इसने कहा अच्छा भारत खोज रहे हैं चलो मैं ले चलता हूँ, उसको मसाले भरने थे, इससे वो कालीकट गया, इससे वास्को दी गामा को कालीकट ले गया, नहीं तो भरूच ले आता गुजरात में। फिर हमारे इतिहास वाले लिखते कि वास्को दी गामा भारत को खोजता खोजता भरूच पहुंच गया। वास्को दी गामा को भारत के व्यापारी कान्हा भाई ने खोजा, मिल गया, और उसको कहते हैं भारत खोज रहे चल भाई मैं दिखाता हूँ चल मेरे साथ, और साथ में ले, ये वास्को दी गामा ने अपनी डायरी में लिखा है, वो बेईमान नहीं है, उसको छिपा करके इतिहास की किताबें लिखने वाले बेईमान। वास्को दी गामा की डायरी का उद्धरण दिए बिना हमारे को गलत इतिहास पढ़ाने वाले बेईमान है। वास्को दी गामा ने तो ईमानदारी से लिखा है, उसने ये भी लिखा है कि उस कान्हा भाई के जहाज मेरे जहाजों से कई गुना अधिक प्रगत थे, 40 खेने वाले लगाने के बाद भी मेरे जहाज को उतनी गति नहीं थी जो उससे 3 गुना बड़े 3 मंजिल वाला जिसके ऊपर डेक था, ऐसे जहाज को केवल 16 नाविक खेते थे, ऐसा कान्हा भाई का जहाज था। भारत की विज्ञान और तकनीकी की स्थिति, अंग्रेज इस देश में आए तब सारे विश्व से अधिक उन्नत थी, ये अंग्रेजों में से कुछ ईमानदार इतिहासकारों ने लिख करके रखा। इसलिए जो इस गलतफहमी में है कि अंग्रेज इस देश में नहीं आते तो भारत में तो कोई विज्ञान ही नहीं होता, वो इस बात को समझ ले कि अंग्रेज इस देश में नहीं आते तो केवल भारत का ही नहीं विश्व का विज्ञान आज है उससे अधिक प्रगत होता।